था। स्क्रीन शेयर हो गया है मैम। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है होमवर्क सबने ट्राई किया है। एक काम करो, सबको एक बार होमवर्क को ट्राई कर लो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, नहीं तो आज ही लास्ट में भी बता सकते हैं, देख लेंगे। अगर टाइम होता है तो लास्ट में बता देंगे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा कंप्लीट है, सिर्फ वही एग्जाम्स मुझे करवाना था, ठीक है? जो हम होमवर्क दिए थे, अगर नहीं हुआ है तो हम करवा देंगे। आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो चैप्टर है वो स्टडी नोट 3 है, ठीक है? मतलब तुम लोग का जो मैथ है उसी से पढ़ा रहे हैं। स्टडी नोट 3 है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो फाइनल अकाउंट तुम लोग करते हो उसी के लिए है, लेकिन इसके पहले इसका कुछ छोटा छोटा नोट्स है। जैसे कि बैड डेब्ट जो होता है, बैड डेब्ट में किस तरह से बैड डेब्ट को ट्रीट करना चाहिए, जो डेटर रिलेटेड डेटा होता है। डेटर मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट में जब सेल करते तभी डेटर जनरेट हो सकता है, ठीक है? क्रेडिट में जब सेल करते तभी डेटर जनरेट हो सकता है। अब सारा डेटर अच्छा भी नहीं होता है और बुरा भी नहीं होता है। कुछ डेटर होता है जो लोग पैसा टाइम पे दे देता है, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि आगे दे देता है तो डिस्काउंट मिल जाता है उन लोगों को, या फिर ऐसा डेटर भी होता है कि जो मतलब बाद में देता ही नहीं है, उसे बैड डेब्ट बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो टर्म होता है बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये देखो बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट PBDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ठीक है? और बैड डेप्ट राइट ऑफ, ये सब का किस तरह से क्या ट्रीटमेंट होगा, इस बेसिस पे है ये वाला स्टडी नोट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या क्या होता है उसके अंदर? फाइनल अकाउंट्स मतलब जो मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उसमें तुम लोग क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है? और बैलेंस शीट, अभी ट्रेडिंग पीएल एक साथ होता है। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वही जो है वो फाइनल अकाउंट्स है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं जर्नल का, जो जिसको जो सम्स देख के तुम लोग जर्नल एंट्री पास करवाते हो वही तो ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर वहां से हम लोग क्या पास करवाते हैं? जर्नल एंट्री। फिर वहां से क्या होता है? लेजर। फिर वहां से हम लोग बनाते हैं लेजर, फिर जर्नल, लेजर, उसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स, जहां पर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जो है यही है फाइनल डेस्टिनेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनल डेस्टिनेशन यही होता है। एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स टू स्टेटमेंट, ठीक है? तो फाइनल अकाउंट्स का दो मेन स्टेटमेंट होता है। ये जो पीएल है इसको अभी हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और पीएल में हम लोग को क्या मिलता है? पीएल में हम लोग को ये मिलता है बिजनेस करके हम लोगों का आउटकम क्या है, यानी प्रॉफिट है या लॉस, इसीलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो इनकम स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो आउटकम्स एक्टिविटी क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, और वैसे भी ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका इफेक्ट भी पीएल में आ जाता है। तो हम लोग कितना एक्सपेंस कर रहे हैं उसके मतलब अकॉर्डिंग हम लोग कितना इनकम कर रहे हैं। तो एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि विच रिफ्लेक्ट्स द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि हर एक ईयर वाइज ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है, तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है, नॉर्मली
अप्रैल टू मार्च होता है, तो उस बेसिस पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉफिट या फिर लॉस। एंड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम लोग को क्या दिखाता है, विच शो द पोजीशन। बैलेंस शीट हम लोगों को क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है बिजनेस का एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही होता है, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग पीएल, उसके बाद ही बैलेंस शीट होता है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो जैसे ये क्या है, ये एक्टिविटी का आउटकम है पीएल, और बैलेंस शीट क्या है, रिसोर्सेज ओन्ड एज एसेट्स। रिसोर्स, रिसोर्स से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के पास रिसोर्स होता है उससे हम लोग एसेट बनाते हैं। एंड सोर्स ऑफ फंड्स एज लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब ये देखो बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक लाइबिलिटी होता है एक एसेट होता है। एसेट जहां से हम लोग एसेट बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स जो हम लोग के पास है उससे हम लोग एसेट बना लेते हैं। और हम लोग जो इधर फंड फंड रेज करते हैं, तो फंड को दो तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एक है लाइबिलिटी और एक है कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल में फर्क इसलिए होता है क्योंकि कैपिटल अगर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बताओ तो कैपिटल जो है ये ओनर खुद लगा लेता है, और लाइबिलिटी मतलब अगर लोन वगैरह लिया है तो वो लाइबिलिटी पोर्शन में आता है। इसीलिए बैलेंस शीट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसेट कैपिटल लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी तो लिखते हैं लेकिन हम लोग बोलते एक साइड एसेट है एक साइड लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी साइड का दो पार्ट होता है मेनली, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब जो खुद से पैसा लगाते हैं, जो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बोल रहे हैं, और लाइबिलिटी मतलब जब हम लोग बाहर से पैसा लेते हैं, मतलब एक ओन फंड और एक हो गया लोन फंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के हम लोग को फायदा क्या है, अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता कर सकते हम लोग इससे, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो एंटरप्राइज जिसका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई भी एंटरप्राइज हो, उसका क्या परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा है बुरा है, या फिर हर साल उसका क्या चेंजेस दिखने को मिल रहा है, उसके लिए हम लोग को हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही फॉलो करना चाहिए, जहां पर एक ही जगह पे हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज यूजफुल टू ए वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल एंड कॉम्पेरेबल। तो क्या बोल रहा है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी तरह से बनाना चाहिए ताकि वो रिलायबल हो, वो रेलिवेंट हो, इररिलेवेंट ना हो। रिलायबल मतलब जिसे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ऐसा डेटा उसमें होना चाहिए। रेलिवेंट डेटा होना चाहिए मतलब जो जरूरी है। कंपेरेबल होना चाहिए मतलब हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं अदर इंडस्ट्री के साथ भी, और उसी इंडस्ट्री का पास्ट में क्या हुआ है उसके साथ भी। अंडरस्टैंडेबल भी हो मतलब ताकि वो सबको समझ में आए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को उसमें क्या करना है, वो बिजनेस देख के किसी को अगर डिसीजन लेना है कि मेरे मतलब ओनर खुद भी चाहे डिसीजन ले सकता है कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर बाहर से अगर लोन वगैरह ले रहा है तो फिर बैंक वगैरह भी देख के ही लोन देगा, या फिर क्रेडिटर भी देख के ही पैसा देगा उधार, कि मुझे क्रेडिट में इसे सामान बेचना चाहिए कि नहीं, डेटर भी सामान खरीदेगा कि नहीं। इसलिए अच्छा एक मिनट, कोई ज्वाइन कर है, खुलछ ना तो ओए। ओए টিম মাইক্রোসফট টিমটা ওপেনই হচ্ছে না। কি হয়ে গেছে কি, ওরাও কি তাহলে শুনতে পাচ্ছে না? আমি তো জানি। হ্যালো, তুমলোকো শোনাই দে রে। হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ওয়া সে নি খুল রহা থা, কোথায় কোনো আওয়াজ পাইনি তো জানি, আমি শুরু আছি স্ক্রিন নিয়ে, आवाज पहले तो नहीं निकला।
तो यूजफुल इसलिए होना चाहिए ताकि हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेलिवेंट, रिलायबल और कंपेरेबल होना चाहिए। तो रिपोर्टेड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल पोजिशन। तो जो एसेट लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट जो है, एंड इक्विटी, इक्विटी मतलब अगर हम लोग कंपनी का बात बोलते हैं तो इक्विटी का बात आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजिशन। ये बैलेंस शीट हम लोग को फाइनेंशियल पोजिशन बताता है। तो एसेट लाइबिलिटी का रिपोर्ट, इक्विटी का रिपोर्ट हम लोग को फाइनेंशियल पोजिशन बताता है। ये टर्म वो बताया जा रहा है फाइनेंशियल पोजिशन। रिपोर्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये एक्टिविटी है, मतलब तुम लोग कैसा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ठीक है, वो पीएल में रिफ्लेक्ट होगा, और उसके वजह से तुम लोग का पोजीशन क्या आ रहा है, ठीक है, वो है बैलेंस शीट, ठीक है। वैसे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है यानी एक्टिविटी है, वो पीएल में रिफ्लेक्ट होता है कि कितना एक्टिविटी ये लोग कर रहा है, और उसके वजह से इन लोग का पोजीशन क्या है। एक्टिविटी तो अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा एक्टिविटी होगा इन लोग का फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी अंडरस्टैंडेबल बाई रीडर्स हु हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग एंड हु आर विलिंग टू स्टडी द इंफॉर्मेशन डिलीजेंटली। तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इस तरह से ही बनाया बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर इसी मतलब एम के साथ प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वो रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए, और वही अंडरस्टैंड कर पाएगा जिसके पास एक मिनिमम लेवल का नॉलेज होना चाहिए बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में, वही क्या कर सकता है, या फिर उससे अगर मन है ये सब अंडरस्टैंड करने का, तभी वो आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डिस्कस होगा, देखो, इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंसेप्चुअली दिस स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट ईच ऑफ द कंटेंट्स। तो यहाँ पर वो जितना भी डेटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर मेनली बैड डेब्ट के बारे में बताया है, बाकी और कुछ नहीं बताया। बैड डेब्ट के बारे में क्या बताया, देखो, द अमाउंट विच इज रिसिप्ट। अच्छा, डेब्ट कब क्रिएट होता है, जो हम लोग सेल जब करते हैं, अगर हम लोग क्रेडिट सेल करें, अगर हम लोग क्रेडिट सेल करें तो डेटर क्रिएट होता है। अब जिससे हम लोग को पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डेटर, ठीक है, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना चाहिए फ्रॉम ए पर्सन फॉर ए कंसर्न और ए कंसर्न फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड डेब्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स या सर्विस देने के लिए किसी से अगर फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है, रिसीवेबल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर, और उससे जो पैसा मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं डेब्ट। ये देखो, द अमाउंट जो पैसा जिससे मिलेगा, पर्सन का नाम होता है डेटर, और जो जितना अमाउंट मिलता है उस अमाउंट का नाम होता है डेब्ट। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम ए पर्सन, ये पर्सन जो है वो है डेटर, और एक कंसर्न, या फिर हो सकता है हम लोगों ने किसी कंसर्न को मतलब पर्सन या फिर कंसर्न और क्या, फॉर सप्लाइंग गुड्स, या तो हम लोगों ने गुड्स दिया या तो हम लोगों ने सर्विस बेचा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेप्ट। अब ये डेप्ट है, ये तीन तरह का सिचुएशन ला सकता है। एक होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब होता है जो पैसा मुझे कभी नहीं मिल सकता है, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि मुझे ये पैसा आगे जाके कभी नहीं मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट। डाउटफुल डेब्ट मतलब मिल भी सकता है, मतलब नहीं भी मिल सकता, नहीं मिलने का ही चांस ज्यादा है इसीलिए डाउटफुल डेब्ट, नहीं मिलने का चांस ज्यादा है इसीलिए डाउटफुल डेब्ट। गुड डेब्ट्स मतलब जिन लोगों से पैसा मिल जाएगा टाइम पे, या फिर हो सकता है टाइम के पहले मिल जाए, दोनों केस में उन लोगों को हम लोग बोलेंगे गुड डेब्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, बैड डेब्ट आर अनकलेक्टेबल और इररिकवरेबल डेब्ट। जो डेब्ट अनकलेक्टेबल होता है, जिसे हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर इररिकवरेबल होता है, जिसे हम लोग कभी रिकवर नहीं कर सकते, विच आर इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, या फिर जो इम्पॉसिबल है कलेक्ट करना, इज कॉल्ड बैड डेब्ट। इफ इट इज डेफिनेटली नोन दैट अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ए कस्टमर कैन नॉट बी रियलाइज एट ऑल, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस लॉस एंड शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये हम लोग को डेफिनेटली लगता है कि
इस कोई भी एक जन है जिसको हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया था, और हम लोग उस कस्टमर के ऊपर हम लोग का पूरा पूरा मतलब ये हम लोग को लग रहा है कि ये कभी हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, फुल्ली अनकलेक्टेबल है, इररिकवरेबल है, तो फिर हम लोग उसे बिजनेस का लॉस ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सर्विस दिया या फिर प्रोडक्ट दिया लेकिन उसके बदले हम लोग को जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसे हम लोग बोलेंगे बैड डेट, और इसे हम लोग बिजनेस का लॉस ट्रीट करेंगे एंड शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह से लिखते हैं पीएल में टू बैड डेप्ट, पीएल में लिखते हैं टू बैड डेप्ट, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया ना, और जैसे ही टू बैड डेप्ट इधर लिख दिया हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग का जो नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा साइड है, एक्सपेंस का साइड है, एक्सपेंस बढ़ा रहा है जबकि ये लॉस है, एक्सपेंस नहीं है, पीएल में तो दो लॉस एंड एक्सपेंस भी आता है और गेन एंड प्रॉफिट भी आता है, तो उसी तरह से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बोल रहा है कि इसीलिए से प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, ये वाला लैंग्वेज इन लोगों ने यूज किया है, इन शॉर्ट द अमाउंट ऑफ बैड डेट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा फॉर द करेंट ईयर टू कन्फर्म द प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग, मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है उसके बेसिस पे इसे पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं और पीएल के अगेंस्ट इसे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद डाउटफुल डेट, द डेट्स विच विल बी रिसीवेबल मतलब मिलना चाहिए था और कैन नॉट बी एसर्टेनेबल एट द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, मतलब हम लोग को पैसा मिलना चाहिए लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तब हम लोगों को तब तक पैसा नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन बैड डेप्ट है ये भी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, दैट इज द बैड डेप्ट विच आर डाउटफुल टू रियलाइज, मतलब दैट इज द डेप्ट विच आर डाउटफुल टू रियलाइज, मतलब डाउटफुल है, मतलब कुछ जब मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा लग रहा है नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मिल सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डेप्ट, इज नोन एज डाउटफुल डेप्ट, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, लेकिन जब हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसे डायरेक्टली लॉस बोल के हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, एज सच इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ, इसीलिए हम लोग उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, राइट ऑफ करना मतलब पीएल में टू बैड डेब्ट बोल के चार्ज कर देना या फिर डेटर से बैड डेब्ट बोल के डायरेक्टली माइनस कर देना, इसका मतलब ये रिकवर्ड हो गया, मतलब ये कभी नहीं मिलेगा, कन्फर्म हो गया, लेकिन इस केस में कन्फर्म नहीं है इसीलिए डाउटफुल, बट इट शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फॉर्म, लेकिन इसे हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब उस डेटर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है या फिर फर्म अपना पास्ट एक्सपीरियंस को काम में लगा के ये देखेगा कि हाँ ये जो डेप्ट है ये रिकवर होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से हम लोग इसे पीएल में चार्ज करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, गुड डेप्ट, गुड डेप्ट मतलब जो लोग पैसा दे देगा टाइम पे या फिर टाइम के पहले, द डेप्ट विच आर नॉट बैड, दैट इज देयर इज नाइदर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेप्ट्स नॉर एनी डाउट अबाउट इट्स रियलाइजेशन, ना तो बैड डेप्ट होने वाला है ना तो कोई भी ऐसा हम लोग को डाउट है कि आगे जाके रियलाइज नहीं होगा, ऐसा अगर कोई डेप्ट है जिसे हम लोग बोलेंगे गुड डेप्ट्स, एज सच नो प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर इट, और इस केस में कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं है क्योंकि अगर पैसा मिल ही जाएगा तो प्रोविजन क्यों करें। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी बिजनेस परचेज एंड सेल्स आर द मोस्ट रेगुलर एंड मेन एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस का काम ही क्या होता है, परचेज करो और सेल करो, ये रेगुलर एक एक्टिविटी होता है, द अट्रैक्ट्स दिस अट्रैक्ट्स बिजनेस कनेक्शन विद लॉट्स ऑफ पीपल आइदर गिविंग और टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिजनेस का मेन अट्रैक्शन क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ जो हम लोग जुड़ते हैं इसमें क्या होता है, हम लोग देन लेन जो करते हैं, गिविंग टेकिंग जो करते हैं, और हम लोग क्रेडिट मतलब लेना चाहते हैं और क्रेडिट देना भी पड़ता है, मतलब डेटर भी क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग अगर सिर्फ कैश सेल करेंगे तो डेटर कम हो जाएगा, क्रेडिट में ही मैक्सिमम लोग चाहते हैं हम लोग क्रेडिट में खरीदे और बिजनेसमैन खुद चाहेगा वो क्रेडिट में खरीदे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है सबको ऐसा लगता है मुझे मेरा पैसा मिले लेकिन हम दूसरे को थोड़ा देरी करके दे तो अच्छा होता है, ये बिजनेसमैन का एक मतलब अपना एक क्या मोटो रहता है कि पैसा जितना मिल जाए उतना अच्छा और जितना देरी करके देना पड़े उतना अच्छा, ये फाइनेंस में तुम लोग पढ़ोगे, ऐसा सबका मोटो रहता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस अट्रैक्ट्स बिजनेस कनेक्शन विद लॉट्स ऑफ पीपल आइदर गिविंग और टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट, और बिजनेस में हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वो
बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट की वजह से। डेटर्स आर दोज पर्संस हु टेक द बेनिफिट ऑफ डिलेड पेमेंट। डेटर तो वही लोग है ना, जो लोग बाद में पैसा देना चाहता है वही लोग डेटर होता है। तो इन लोगों को किस चीज का बेनिफिट मिलता है? डिलेड पेमेंट, मतलब तुरंत कैश दे के इन लोग कुछ भी नहीं खरीदता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। अब क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि एंड क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स अलाउ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर हम लोग को क्रेडिट पीरियड देता है टू पे लेटर। जैसे हम लोग बेनिफिट देंगे किसी को, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं कि बाद में पैसा दे दीजिएगा अभी ले जाइए, वैसे हम लोग भी किसी जिससे सामान खरीद के ला रहे हैं उससे, मतलब क्रेडिटर से क्रेडिट पीरियड मांगेंगे। दैट मीन्स इन ईच केस देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ सेल और परचेज एंड द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ कैश पेमेंट और कैश। तो इसका मतलब ये है, हर एक केस में चाहे वो डेटर हो, मतलब सेल हो चाहे वो परचेज हो, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ सेल और परचेज, ठीक है, एंड द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ कैश और पेमेंट ऑफ कैश। कैश देना या कैश लेना, मतलब डेटर से पैसा मिले या क्रेडिटर से क्रेडिटर को पैसा दे, ठीक है, किसी को सेल करे या किसी से परचेस करे, दोनों में एक टाइम गैप होता है। और ये तुम लोग जो रेशियो एनालिसिस है जो CMA में ग्रुप 2 में है, ठीक है, उसमें पढ़ाया जाता है कि रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग को डेटर कलेक्शन पीरियड होता है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड होता है। वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग डेटर से कितने दिन बाद बाद पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर क्रेडिटर को कितने दिन बाद बाद पेमेंट कर रहे हैं। और ये 12th में भी रहता है और कॉलेज में भी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ डेटर। अब डेटर हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं तो डेटर का क्या क्या एक्टिविटी हो सकता है ये जो टाइम गैप है उसके अंडर। द डेट विल बी कलेक्टेड इन टाइम, मतलब जो टाइम था सपोज 3 months बाद बाद डेटर पैसा देता है तो ये कलेक्ट हो गया 3 months के अंदर, तो द डेप्ट विल बी कलेक्टेड इन टाइम। या फिर ये हो सकता है द डेप्ट में नॉट बी कलेक्टेड एट ऑल, लेकिन ऐसा हो गया मतलब हम लोग को पैसा मिला ही नहीं, यानी बैड डेप्ट हो गया। और द डेप्ट में बी क्लियर्ड बिफोर ड्यू डेट, ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्यू डेट है उससे पहले मिल गया, ठीक है, तो फिर हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या क्या एक्टिविटीज होगा? द डेप्ट विल बी पेड इन टाइम, हम लोगों ने टाइम पे कर दिया। द डेप्ट मे नॉट बी पेड एट ऑल, पैसा दिया ही नहीं। द डेप्ट मे बी क्लियर बिफोर ड्यू डेट, या फिर टाइम के पहले ही पैसा क्लियर कर दिया, सेम चीज होगा, सिर्फ इसमें पेमेंट है और एक में पैसा मिलने वाला है, एक में पैसा हम लोगों को देना है। द डेप्ट मे बी क्लियर बिफोर ड्यू डेट, इसमें क्या बोला है? इन द अबव एक्सप्लेनेशन इन केस वन व्हेन द डेप्ट आर कलेक्टेड इन टाइम, अच्छा ये बता रहा है इस बेसिस पे, ये देखो यहाँ पर जो ये केस वन द डेप्ट विल बी कलेक्टेड इन टाइम उसके बारे में ये बता रहा है, क्योंकि ये डेप्टर के लिए मेनली चैप्टर है। तो डेप्ट मे बी क्लियर इन द अबव एक्सप्लेनेशन द केस वन व्हेन द डेट्स आर कलेक्टेड इन टाइम वी कॉल द डेटर टू बी गुड, अगर टाइम में मिल गया तो डेटर को हम लोग गुड बोलेंगे। और व्हेन द डेट आर नॉट कलेक्टेड एट ऑल तो ये हो गया बैड डेट जो मैंने पहले ही बताया था। इन द अबव एक्सप्लेनेशन इन केस थ्री व्हेन द डेटर आर कलेक्टेड बिफोर ड्यू डेट वी कॉल द डेटर टू बी गुड। बिफोर ड्यू डेट होने से भी गुड, टाइम पे मिलने से भी गुड, लेकिन बिफोर होने से क्या होता है? एंड दे आर अलाउड कैश डिस्काउंट। टाइम पे मिलने से कोई भी डिस्काउंट नहीं, लेकिन टाइम के पहले मिलने से गुड डेटर एज वेल एज उन लोग को क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट एज ए रिवर्ड टू पे अर्लियर। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट बार भी अगर डिस्काउंट हम लोग देंगे, इससे बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट बार भी डेटर हमारे साथ ही जुड़ेगा और टाइम के पहले देने का कोशिश करेगा। और बिजनेस को चलाने के लिए लिक्विड कैश का हमेशा जरूरत होता है, तो ये सब डिस्काउंट पॉलिसी लिया जाता है। वट एवर द केस फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू डेट ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द डेट देयर रिमेन्स एन एंग्जाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर फॉर विच ए सेलर मेक्स प्रोविजन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोटेक्ट सच लॉस बिफोर हैंड। लेट अस सी द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि
कुछ भी केस हो, चाहे डेटर गुड हो, चाहे मतलब टाइम के पहले दे रहा है ऐसा गुड डेटर हो, या फिर मतलब हम लोग को बैड डेप्ट हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि पैसा मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो, जब से सेल होता है तब से लेके कलेक्शन के टाइम तक जो सेलर है उसके लिए एक एंग्जाइटी रह ही जाता है क्या होगा नहीं होगा। और उसके बिहाफ में यहाँ पर तीन चार्ट बनाए, डेटर देखो क्या हो सकता है, बैड, डाउटफुल और गुड। द डेटर बिकमिंग बैड आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर, जो बैड डेप्ट हो चुका है उसे डिलीट कर देना है डेटर के लिस्ट से। डिलीट मतलब तुम लोग जो फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में डेटर माइनस क्या कर देते हो, बैड डेप्ट, यानी डिलीट कर दिए डेटर जो था उससे बैड डेप्ट को लेस कर दिए, तो नेट जो बैड डेप्ट सॉरी नेट जो डेटर आ गया उसे हम लोग बोलेंगे गुड डेटर। बैड डेप्ट जो है इसे लेस करने के बाद जो आया वो रह गया बैड डेप्ट माइनस करने के बाद का डेटर, उसे ही बोल रहे हैं कि डिलीट कर दो। एंड द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रॉस डेटर, ये ग्रॉस डेटर इसे बोलेंगे ग्रॉस डेटर, ग्रॉस डेटर से इसे माइनस कर देंगे। द बैलेंस रिमेन इज ऑल डाउटफुल एंड हिंस, अच्छा अब इसे हम लोग मानेंगे डाउटफुल, ये जो बैलेंस बच जाता है इसे मानेंगे डाउटफुल। एंड हिंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज मेंटेन ऑन द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेप्ट, अगर ये डाउटफुल है अब हम लोग को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सोचना पड़ेगा कि कितना परसेंट डाउट है। सपोज 10% है, 10% पीबीडीडी क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो जितना क्रिएट करना है उतना क्रिएट करो, फिर डिडक्ट करके जो आ जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं नेट डेटर, इसे हम लोग बोलेंगे नेट डेटर। तो देखो वही बोल रहा है, वेन सच प्रोविजन इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द नेट डेटर द बैलेंस रिमेन इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड एंड आर सपोज टू क्लियर देयर ड्यूज ऑन टाइम, और हम लोग ये मानेंगे ये सारा है ऑल गुड डेटर है और ये लोग अपना जो पेमेंट है वो टाइम पे कर देगा। देयर फॉर ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड इज मेड ऑन सच अमाउंट, अगर डिस्काउंट देना है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि अगर जो गुड डेटर है उनका दो कैटेगरी होता है, एक होता है इन टाइम पेमेंट करना और एक होता है बिफोर टाइम, तो बिफोर टाइम जो लोग करेगा उन लोगों के लिए हम लोग को डिस्काउंट देना है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। यही मेन चीज होता है जो बहुत जन का गड़बड़ हो जाता है कि कौन सा आगे माइनस करना है कौन सा बाद में। तो सबसे पहले जो डेटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस, अब इसी डेटर से हम लोग को बैड डेटर भी मिलता है, गुड भी मिलता है और डाउटफुल भी मिलता है। तो सबसे पहले बैड पता है जिन लोग पैसा देगा ही नहीं उन लोग को हटा दो, तो अब ये हम लोग मानेंगे सब पे डाउट करेंगे, लेकिन डाउट का एक परसेंटेज होता है जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक परसेंटेज जो है वो एसर्टेन करेगा। तो यहाँ पर 10% अगर परसेंटेज होता है सपोज, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसे नेट डेटर बोलेंगे जो ऑल गुड है, लेकिन गुड का दो कैटेगरी होता है, एक जो टाइम पे दे देंगे और एक जो है बिफोर टाइम पे करेंगे, तो जो बिफोर टाइम पे करेंगे उन लोग को हमको क्या देना है डिस्काउंट देना है। तो ये चीज हमेशा याद रखो, डिस्काउंट उन्हीं को मिलना चाहिए जो गुड डेटर होता है, कभी भी डिस्काउंट आगे माइनस नहीं हो सकता है, तो डिस्काउंट उन लोगों को ही मिलेगा जो गुड डेटर है, या मतलब गुड डेटर के साथ साथ जो लोग टाइम के पहले पेमेंट करता है, तो फिर उन लोगों के लिए एक प्रोविजन बनाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा मतलब जो डेटर रिसिप्ट, डेटर का जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो। अब देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इससे समझ में आ जाएगा, डेटर है 1 लाख, बैड 2000, मतलब पहले 1 लाख से 2000 माइनस कर देंगे, देखो कितना आया, ये देखो डेटर 1 लाख, बैड डेप्ट कितना है 2000, तो कितना आ गया 98,000, और 98,000 यहाँ पर लिखा भी इन लोगों ने डाउट। अब यहाँ पर गुड है 88,200, अगर गुड है 88,200 जबकि इन लोगों ने प्रोविजन का कुछ परसेंटेज नहीं बताया, बोला है कि मान लो से 10%, अगर ऐसे भी देता है तो तुम लोग यहाँ पर 88,200 लिख के बाकी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो 9,800 आएगा और जो 10% की इक्विवेलेंट है, तो जो भी इन लोगों ने एग्जाम्पल में से 10% माना है तो 9,800, तो 88,200 हो गया गुड। और अगर हम लोग को से 5% डिस्काउंट का प्रोविजन करके रखना है, ऐसे लग रहा है कि जितने लोग है उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम के पहले दे देंगे और उन लोग को मुझे 5% डिस्काउंट देना है, तो इसके ऊपर 5% डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, यानी मुझे 88,200 रिसीव हो जाता, लेकिन हम डिस्काउंट देंगे बोल के 83,790 रिसीव होगा, दैट इज नेट डेटर या फिर नेट बैलेंस, इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एंट्रीज देखो क्या है,
अकाउंटिंग स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ईयर में बैड डेब्ट जब होगा तो बैड डेब्ट किसके ऊपर क्रिएट होता है? सन्ड्री डेटर के ऊपर। बैड डेब्ट एक लॉस है और बैड डेब्ट होने की वजह से हमारा डेटर का वैल्यू कम हो जाता है, और सन्ड्री डेटर एक डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एसेट है, क्योंकि जब हम लोग सेल करते हैं तो एंट्री ये होता है सन्ड्री डेटर या फिर डेटर टू सेल्स। जो एंट्री यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, पहले डेटर टू सेल हुआ, हम लोगों ने कुछ सेल किया, उसके बाद हम लोग को जब पैसा मिल जाता तो हम लोग क्या एंट्री कर देते? कैश टू डेटर। सिंपल, डेटर डेटर कैंसिल, कैश टू सेल ही हो जाता अगर ये डायरेक्टली पैसा दे देता। लेकिन अगर कोई कैश नहीं दे रहा है, ठीक है, बैड डेब्ट कर रहा है, तो फिर कैश की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर, या फिर डेटर, यही देखो वही क्या है, बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर, मतलब पैसे के बदले लॉस हो गया, उसने पैसा दिया ही नहीं, तो ये हो गया बैड डेब्ट का एंट्री। फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर डाउटफुल डेब्ट है, मतलब डाउट है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट के अगेंस्ट उसे चार्ज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में वो डाउटफुल अगर सच में बैड डेब्ट हो जाए, ताकि हम लोग जो लॉस है उसे मेंटेन कर पाए, इसीलिए पहले से प्रोविजन कर लेते हैं जिन लोगों पे डाउट होता है। तो प्रोविजन किया हुआ है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना एक लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हटा के रखो, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये लाइबिलिटी है। उसके बाद देखो क्या किया है, उसके बाद ट्रांसफरिंग बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट को हम लोग ने डेटर पे चार्ज किया था, अब क्या करेंगे, इसे पीएल में चार्ज करेंगे, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर, पीएल टू बैड डेब्ट। अब नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री होना चाहिए? फर्स्ट ईयर में ये एंट्री होगा, फिर सब्सिक्वेंट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में देखो, फिर से अगर बैड डेब्ट होता है तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, ये दोनों को एक साथ कर दिया है। जैसे पहले वाले में क्या किया था, एक बार देखो, पहले वाले में बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर, यहाँ भी सिमिलर है, फिर पीएल टू प्रोविजन, यहाँ प्रोविजन को क्रिएट किया है, फिर पीएल टू बैड डेब्ट किया है, यहाँ पर प्रोविजन का एंट्री और नेक्स्ट नहीं दिखा है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर एक मार्ज एंट्री दिखा है कि प्रोविजन तो एक मतलब एजम्पशन होता है, ठीक है, प्रोविजन फिक्स नहीं होता है, जो अमाउंट का प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, मतलब हम लोगों ने 100 रुपीज का प्रोविजन कर दिया, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों को पेमेंट मिल गया, तो प्रोविजन हो सकता है हम लोगों ने एस्टिमेट जो किया वो मतलब अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है, या फिर ओवर भी हो सकता है, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग प्रोविजन इज मोर देन ओपनिंग प्रोविजन, तो क्या होगा, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और क्लोजिंग बैलेंस इज लेस देन ओपनिंग, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू पीएल। मतलब ये देखो, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जो प्रोविजन है पीबीडीडी का, अगर अकाउंट बनाओगे तो प्रोविजन इधर डेबिट, ये क्रेडिट नॉर्मल लेजर का जो होता है, और पीबीडीडी जो है इसका अगर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। सपोज क्रेडिट साइड है 1000, और इस बार जो क्रिएट कर रहे हो उसका वैल्यू है सपोज 1500, तो अब देखो बोल रहा है कि इफ क्लोजिंग प्रोविजन मोर देन द ओपनिंग प्रोविजन, तो अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस इधर आना चाहिए, बिकॉज इधर 1500 है, तो इधर भी 1500 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500। तो अगर पीएल से क्लोज करते हैं तो क्या होगा, बाई पीएल, इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में 1000 रुपीज का प्रोविजन किया, लेकिन इस बार प्रोविजन 1500 का बढ़ गया है, और कुछ भी अगर यूटिलाइज नहीं हुआ है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो फिर अगर 1000 है और इसका कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, अगर यूटिलाइज होता तो यहाँ पर एक एंट्री हो जाता। यूटिलाइज होने का मतलब है कि अगर सच में कोई भी बैड डेब्ट होता तो यहाँ पर इसका चार्ज हो जाता, नीचे एग्जाम्पल है तो समझ जाओगे। और ये जो 1000 है यहाँ पर, इतना समझो ये 1000 पिछले साल का, इस साल हम लोगों ने 1500 का किया, तो 500 ज्यादा किया, तो प्रॉफिट से और भी 500 लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोग रिवर्स देखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, हम लोगों ने 1500 का प्रोविजन किया था और कुछ भी यूज नहीं हुआ है अभी तक, और इस साल का जो क्लोजिंग है वो हम लोगों ने किया है 1000 का, तो फिर क्लोज करने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा टू पी एल 500, तो प्रॉफिट में 500 रिटर्न कर देंगे, तो इसीलिए देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो टू पी एल के साथ ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि किस तरह से प्रोविजन में कब बाई पी एल होगा, कब टू पी एल होगा। अब ये नीचे एग्जाम्पल देखो,
देखो क्या बोल रहा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन 1 जैन 2014। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है इसका 1 जैन 2014, इस तरह से लिखते हैं 1 जैन 2014 में इसका बैलेंस है ₹5,000। और प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, और इसका बैलेंस मतलब यहाँ ब्रैकेट में हम शो कर देते हैं क्रेडिट बैलेंस। द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2014, ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये पूरे ईयर के अंदर जो बैड डेट हुआ है वो है 3,000। द सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 जो सन्ड्री डेटर है वो टोटल जो अमाउंट है मतलब जो ग्रॉस डेटर है वो है 50,000। ऑन December 31, 2014 यहाँ पर एन एडिशनल बैड डेप्ट, यहाँ पर आके बैड डेप्ट, एडिशनल बैड डेप्ट जो है वो है 3,000। एक्चुअली ये कौन सा है पता है, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो कुछ बैड डेप्ट होता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, कुछ बैड डेप्ट का इंफॉर्मेशन रहता है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। तो ऐसे बोला जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो जर्नल लेजर को कवर नहीं करता, मतलब वो जर्नल वर्नल बनने के बाद पता चलता है, इसीलिए उसका डबल एंट्री होना चाहिए। इसीलिए जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट्स के बाहर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका दो ट्रीटमेंट होता है, उसको हमेशा दो जगह ट्रीट करो तभी बैलेंस शीट टैली होगा या फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, वो इसीलिए बोला जाता है। और ये इसका मतलब ये है, एक ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो है वो एडजस्ट होते रहता है सन्ड्री डेटर के साथ, लेकिन जो बाद में पता चलता है एकदम एट द एंड ऑफ द डेट जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे तो वो कभी भी डेटर के साथ एडजस्ट नहीं हुआ होता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। बेसिकली ये ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन है और ये आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस का है। ऑन December 31, 2014 देयर वाज एडिशनल बैड डेट 3,000, क्रिएट ए न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। और पीबीडीटी जो क्रिएट करना है ये इस बार जो रेट इन लोगों ने लगाया है 10%। बैड डेट रिकवर्ड, अब बैड डेट रिकवर्ड भी हुआ है मतलब जो बैड डेट हो गया था वो बाई चांस रिकवर्ड भी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट है 500। अब हम लोग को क्या करना है, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इससे हम लोग को लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस शीट तो हम यहीं पर दिखा देते, सबसे इजी बैलेंस शीट करना ही है। अभी हम लोगों ने जो अच्छे तरह से सीखा, डेटर, डेटर को पहले लिखना चाहिए हमेशा ग्रॉस डेटर, जबकि ग्रॉस से ऐसा हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं लेकिन ट्रीट उसी तरह से करना है, ग्रॉस डेटर लिखते नहीं है, सिर्फ डेटर ही लिखते हैं लेकिन ये ग्रॉस डेटर ही है। उसके बाद यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, बैड डेप्ट, जो बैड डेप्ट है वो माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से पीबीडीटी, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे पीबीडीटी। पीबीडीटी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डेटर। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो बैड डेप्ट होगा ना इसे तुम लोग फर्दर बैड डेप्ट भी बोल सकते हो, ये एडजस्ट नहीं होगा, दोनों सेम अमाउंट है लेकिन एडजस्ट ये वाला होगा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला है, दैट इज 3,000, इस तरह से होगा। ये जो है ये ड्रॉ जो है इसे भी कर सकते हो, इसे करोगे तो भी सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन को अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और लेजर क्या क्या बनाओगे हम बोलते हैं, तुम लोग ट्राई करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट रिकवरी, पीएल और बैलेंस शीट, यही सब हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, उसके बाद बैड डेब्ट बना लेते हैं,
बैड डेब्ट रिकवरी भी एक है। अच्छा ये यहाँ लिख लेते हैं, बैड डेब्ट रिकवरी, बैड डेब्ट रिकवरी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे इसे एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट तो अभी बन जाएगा, पहले हो जाएगा सन्ड्री डेटर जो कि है 50,000, लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट जो आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, और जो ड्यूरिंग द ईयर है वो एडजस्टेड ऑलरेडी होता है डेटर के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 47,000। अब ये बैड डेब्ट जो कंफर्म्ड है उसके बाद ही हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। तो प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 4700। तो माइनस करके देखो कितना आएगा, ₹42,300। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, ये 3000 कौन सा वाला है, जो मैंने ड्रॉ किया था जो 31 दिसंबर वाला है, क्योंकि ये हमेशा एज्यूम किया ही जाता है कि फर्दर बैड डेब्ट जो है वही डिडक्ट करेंगे, क्योंकि जो ड्यूरिंग द ईयर है वो ऑलरेडी डेटर के साथ एडजस्ट हुआ है, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर मतलब 31 दिसंबर के पहले ही था, और जो डेटर का वैल्यू निकल के आया है वो 31 दिसंबर को आया है, तो ऑलरेडी ये एडजस्टेड है यही मानना पड़ता है। इसीलिए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो डेटर से माइनस नहीं होता है, वो डायरेक्ट पीएल में जाता है। और ये इस तरह से होगा, सन्ड्री डेटर, फर्दर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पूरा लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जितना परसेंटेज जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पर है एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा 4,23,000। ये 3 है, सॉरी 42,300, 4 लाख नहीं। अच्छा अब क्वेश्चन को फिर से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का जो बैलेंस है वो 5000 शो कर रहा है, बताओ वो कहाँ लिखना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट में क्या लिखेंगे, अभी तो मैंने बताया ये लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये है 1 जैन 2014। अगर एक बार जो ड्रॉ है उसे एक बार देखोगे, ये देखो 1 जैन 2014 यानी इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग ब्रॉड डाउन करते, वो लाइबिलिटी है या एसेट है उस बेसिस पे, तो ये लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी इसका अमाउंट हो जाएगा 5000। उसके आगे बोला है कि द बैड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेब्ट जो है वो है 3000, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेब्ट है 3000। तो बैड डेब्ट का क्या एंट्री होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर। अब यहाँ पर 3000 तो है ही, उसके साथ साथ फर्दर बैड डेब्ट भी आया है 3000, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 6000, इसे हम लोगों ने ठीक कर लिया, तो यहाँ पर हो गया 3000 + 3000 6000, क्योंकि जैसे ही यहाँ ट्रीट करेंगे तो यहाँ लेजर में दिखाना पड़ेगा 6000। अब नेक्स्ट क्या है देखो, द सन्ड्री डेटर एज ऑन 31 दिसंबर 2014 50,000, उसका ट्रीटमेंट यहाँ कर चुके हैं हम लोग। ऑन 31 दिसंबर 2014 देयर वॉज एन एडिशनल बैड डेब्ट, जिसका भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। क्रिएट ए न्यू प्रोविजन 10% ऑन बैड डेब्ट डेटर्स, और बैड डेब्ट रिकवर है 500। तो बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं, बैड डेब्ट रिकवरी अगर है 500 तो पैसा जैसे ही मिल जाएगा वैसे हम लोग को एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी बाई बैंक, कितना रिकवर हुआ है 500, और ये हमारा प्रॉफिट है, तो इसको क्लोज कहाँ करेंगे, पीएल में, टू पीएल 500। 500 500 क्लोज, इसका और कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब बैड डेब्ट जो है, बैड डेब्ट को हम लोग दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो मेथड दिखा रहे हैं ये प्रोविजन के साथ ट्रीट करके दिखा रहे हैं, नेक्स्ट जो सब में उसमें दोनों मेथड ही दिखाएंगे।
अब बैड डेट जो 6,000 है, तो इसके लिए प्रोविजन क्रिएट, प्रोविजन जो है वो टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब हम लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि 5,000 का बैड डेप्ट होगा, इसीलिए तो हम लोगों ने प्रोविजन 5,000 का किया था, लेकिन प्रैक्टिकली 6,000 का हुआ, तो प्रोविजन में ट्रीट करेंगे। मतलब ऐसे हो जाएगा, पहले हम लोगों ने सेल किया तो ये हो गया डेटर टू सेल्स, और जब बैड डेप्ट हो गया तो बैड डेप्ट टू डेटर। और बैड डेप्ट जो है हम लोग इसको दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं पीएल टू बैड डेप्ट, ये एक ट्रीटमेंट होता है, और हम लोग कर सकते हैं जो प्रोविजन करके रखे हैं उसे ट्रीट कर सकते हैं प्रोविजन टू बैड डेप्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये थर्ड एंट्री जो है डायरेक्ट पीएल में भी चार्ज हो सकता है, या फिर उसे प्रोविजन से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आता है। अब देखो यहाँ पर बाय प्रोविजन कितना प्रोविजन हो जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये क्लोज होगा, तो ये पीएल होता तो बाय पीएल 6,000 होता, उसके जगह बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया 6,000। अब जैसे ये बैड डेप्ट, ये बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर टू बैड डेप्ट बोल के, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू बैड डेप्ट बोल के 6,000, ठीक है। और जैसे ही ओपनिंग बैड डेप्ट का ये प्रोविजन है, वैसे क्लोजिंग वाला होगा, क्लोजिंग को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग प्रोविजन कितना है ये देखो 4,700 यहाँ पर हम लोगों ने करके रखा है, 4,700। अब इसका मतलब देखो, हम लोगों ने पिछले साल का जो प्रोविजन करके रखा था वो था 5,000, लेकिन हम लोग का, मैंने बोला था ना यहाँ पर एक बैड डेप्ट का एंट्री आएगा, अगर बैड डेप्ट होगा, हम लोग का बैड डेप्ट कितना हुआ है 6,000, तो हम लोगों ने प्रोविजन कम क्रिएट किया है, तो कितना कम क्रिएट किया है 1,000 रुपीज का कम क्रिएट किया है। इसका मतलब प्रॉफिट से और कितना लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्रोविजन है ये प्रॉफिट से ही क्रिएटेड है पिछले साल का, लेकिन ये जो है ये सफिशियंट नहीं हुआ, ये 1,000 रुपीज कम हो गया, तो हम लोग को पीएल से कितना लेना पड़ेगा 1,000, तो बाई पीएल कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर देखो 1,000 प्लस हम लोगों ने इस बार कितना प्रोविजन क्रिएट करने का सोचा है 10%, और जो डेटर है उसके हिसाब से 4,700 का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, और पिछले साल का 6,000 और यहाँ 5,000, दोनों को अगर पिछले साल का 5,000 किया हुआ था और इस बार 6,000 का बैड डेप्ट हुआ है, तो 1,000 का जो डेफिशिएंसी हुआ है प्लस इस बार जो 4,700 हम लोग को क्रिएट करना है, दोनों मिला के पीएल से कितना अमाउंट लेना पड़ेगा 5,700। और अगर तुम लोग इस तरह से नहीं सोच के बैलेंस भी करोगे तो यहाँ पर वही 5,700 का ही बैलेंस आ जाएगा, 5,000, और इधर था 4,000 प्लस 6,000, 10,700 माइनस 5,000, दैट इज 5,700, ये हो जाएगा पीएल का बैलेंस। अब पीएल हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते, देखो यहाँ पर एक भी पीएल का एंट्री नहीं है, यहाँ है एक बैड डेट रिकवरी का एंट्री है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो बाय बैड डेट रिकवरी बोल के 500 आ जाएगा, जैसे पीएल में लिखा जाता है, और ये जो प्रोविजन है ये बाय पीएल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू पीबीडीटी, टू पीबीडीटी हो जाएगा 5,700। तो ये हो गया नेट एंट्री, लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो उसमें पीएल में किस तरह से ट्रीट करते हैं हम उसी तरह से दिखा देते हैं। सपोज ये टू पीबीडीडी का हेडिंग है, जैसे हम लोग सैलरी बोल के उसके साथ आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, वैसे सपोज ये पीबीडीडी का अगर हेडिंग है, इसके अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं ये वाला चीज को क्रिएट करेंगे। देखो न्यू प्रोविजन कितना है, न्यू प्रोविजन जो होता है वो इस बार के प्रॉफिट को कम कर देता है, इसीलिए न्यू प्रोविजन को मैंने लिखा है, न्यू प्रोविजन है 4,700, और इस बार जो बैड डेप्ट है वो कितना है, बैड डेप्ट है 6,000 टोटल ये वाला, ठीक है, तो 10,700 का हम लोगों का लॉस है, और पिछले साल ये लॉस रिकवर कितना हो सकता है पिछले साल के प्रोविजन से, ओल्ड वाले से 5,000, तो माइनस करके देखो वही 5,700 ही आएगा, 10,700 से 5,000 माइनस करोगे तो 5,700 आएगा, तो नेट जो आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाला फिर से समझा देते हैं, अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट से क्या क्या कम होना चाहिए, एक तो ये जो नया प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट किया ये हम लोग के प्रॉफिट को कम कर देगा, ऊपर से जो बैड डेप्ट है
ठीक है, बैड डेट भी तो पीएल में चार्ज होता है, वो 6,000, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोविजन के थ्रू बैड डेट चार्ज किया, इसलिए टू डायरेक्ट हम लोग टू बैड डेट बोल के यहाँ शो नहीं किए। तो 4,700 प्लस 6,000, तो प्रॉफिट से कितना कम होना चाहिए, 10,700, लेकिन पिछले बार का 5,000 ऑलरेडी हम लोग के पास है एज ए प्रोविजन, तो फिर कितना पीएल में चार्ज होगा, 5,700। जस्ट यही वाला चीज यहाँ पर लेजर फॉर्मेट में किया हुआ है, अब ये भी कर सकते हो जो नेट एंट्री है। और अच्छा हाँ, यहाँ बैड डेप्ट रिकवरी सेम आ जाएगा, बैड डेप्ट रिकवरी ये तो अपना पार्ट जो है वो आएगा ही, बैड डेप्ट रिकवरी एक क्रेडिट होता है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो किया है वो डायरेक्ट बैड डेप्ट को पीएल में चार्ज ना करके प्रोविजन के थ्रू से किया है, और नेक्स्ट अभी हम लोग जो सम्स करेंगे उसमें दोनों मेथड से ही किया जाएगा। तो ये हो गया है, हाँ मैम। अच्छा ये देखो यहाँ पर लिख भी दिया था, फर्दर बैड डेब्ट शुड ओनली बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स बिकॉज द बैड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर इज ऑलरेडी एडजस्टेड विथ डेटर। अच्छा यहाँ पर बोला है सिमिलर ट्रीटमेंट विल बी डन फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, जब डिस्काउंट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। अब जो इलास्ट्रेशन वन है इससे दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है, अभी हम लोगों ने जो मेथड किया था उससे भी करेंगे, और जहां पर बैड डेप्ट को डायरेक्टली पीएल में चार्ज किया जाता है उस मेथड से भी करेंगे, दोनों को कंपेयर करके करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है देखो, प्रिपेयर क्या क्या बोला है, बैड डेप्ट अकाउंट बनाओ, यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट अंडर ईच ऑफ द एवर मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, ये चार चीज प्रिपेयर करना है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है देखो, 1 जन 2012 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5,000, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ एट द एंड में, बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ है टोटल 3,000 का, सन्ड्री डेटर आ गया 1,25,000। अच्छा फिर 31 दिसंबर 2013, यानी यहाँ पर 2 साल का डेटा है, एक 1 जन टू 1 यहाँ पर है 2012 से, 1/1/2012 से 31 दिसंबर 2012 तक, ठीक है, और एक है 1/1/13 से 31 दिसंबर 13 तक, यहाँ पर 2 ईयर्स का डेटा हम लोग को मेंटेन करना है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है 2,500 और सन्ड्री डेटर है 1 लाख, यहाँ पर सन्ड्री डेटर है 1 लाख, यहाँ पर सन्ड्री डेटर है 1,25,000, यहाँ पर जो प्रोविजन का बैलेंस है वो है 5,000 पीबीडीडी ओपनिंग। अच्छा यहाँ पर बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ है 3,000, यहाँ पर राइट ऑफ लिख देते हैं, राइट ऑफ जब पीएल बनता है तभी किया जाता है 3,000, और यहाँ पर जो है ये डेटर है, और यहाँ पर बैड डेप्ट जो है वो है 2,500। अच्छा यहाँ पर जो पीबीडीडी का बैलेंस है ये भी आएगा, इस साल का जो पीबीडीडी का क्लोजिंग, जैसे ये 5,000 कहाँ से मिला, ये 31 दिसंबर 2011 का ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, उसी तरह से जब ये अकाउंट कंप्लीट होगा तो ये पता चल जाएगा कि कितना पीबीडीडी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को वो मिल जाएगा वो डेटा। और यहाँ पर बोला है प्रोविजन जो क्रिएट करना है 5% फॉर 2012, यहाँ पर 5% क्रिएट करना है, यहाँ पर 2.5% क्रिएट करना है फॉर 2013, बस इतना ही है सम, आगे देख लेते हैं, हाँ बस इतना ही है। तो हम लोग को दोनों मेथड से इसे कैलकुलेट करना है, और हम लोग को कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है देख लो, बैड डेप्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल सकते हो, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करो,
पहले लिखते हैं बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को कंपेयर करके दिखाना है, तो हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा छोटा कर देते, नहीं तो नहीं होगा। मुझे दोनों मेथड को कंपेयर करके दिखाना है ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है। तो हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं यहाँ, बैड डेप्ट अकाउंट, उसके बाद पीबीडीडी लिख देते हैं इसे, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। उसके बाद पीएल, दो पीएल बनेगा, एक 2012 के लिए और एक 2013 के लिए, दो पीएल, और बैलेंस शीट भी दो ठो होगा। बैलेंस शीट लास्ट में दिखा देंगे, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ जो मेथड है उसमें अकाउंट का जो पोस्टिंग है, मतलब जो भी लेजर है उसी में सिर्फ डिफरेंस होगा। और यहाँ पर फिर से लिखते हैं बैड डेप्ट, पीबीडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं होगा, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट दोनों मेथड में सेम ही होगा, तो वो लास्ट में दिखा देंगे। तो फर्स्ट मेथड हम लोग वो करते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा है, थ्रू पीबीडीडी जैसा होगा। तो सम्स में देखो क्या बोला है, सम्स में बोल रहा है कि सबसे पहले दिया हुआ है प्रोविजन जो है उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5000। तो हम लोग पीबीडीडी अकाउंट में क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी 5000 लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी 5000, बाई बैलेंस बीडी 5000। इसका डेट जो है वो लिख लो 1 जैन 2012, ये 1/1/2012, ये हो गया 1 जैन 2012 को 5000 का क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि बैड डेप राइट ऑफ हुआ है 3000, बैड डेप राइट ऑफ हुआ है 3000। तो बैड डेप राइट ऑफ होने से हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, इसका अमाउंट है 3000। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, इसका अमाउंट हो जाएगा 3000। अच्छा, ये हो गया 2012 का इंफॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें ये बताया था कि पीबीडीडी जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना पड़ेगा, कितना परसेंट बताया था, 5%, और डेटर कितना था, 1,25,000। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाई पीबीडीडी पे ये क्लोज हो जाएगा, बाई पीबीडीडी कितना हो जाएगा, 3000, जैसे फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने किया था। पीएल के जगह बैड डेप्ट को कहाँ चार्ज कर दिया हम लोगों ने, पीबीडीडी में। ये ट्रांसफर एंट्री हो गया, पीबीडीडी में जैसे ही ट्रांसफर किया, पीबीडीडी में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट हो गया 3000। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग जो है पीबीडीडी वो कितना होना चाहिए, क्लोजिंग पीबीडीडी कितना होना चाहिए। तो डेटर कितना है उसके ऊपर उतना परसेंटेज लगा के मुझे बताओ कितना होगा, 1,25,000 पे कितना परसेंटेज बताया था।
बताओ 1,25,000 में कितना परसेंटेज बताया है? 5%, तो कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। 6,250। 6,250, मतलब 5,000 का हम लोगों ने क्रिएट किया था जिसमें से यूज हुआ है 3,000, और इस बार हम लोगों ने 6,250 का क्रिएट करना है। तो फिर बाई क्या हो जाएगा, पीएल। पीएल से कितना हम लोगों को लेना पड़ेगा, देखो 3,000 हम लोगों ने यूज कर लिया, तो यहाँ पर बैलेंस बचा हुआ है कितना, 2,000, और यहाँ पर हम लोगों का क्या है, 6,250 क्रिएट करना है। तो 2,000 ऑलरेडी पीबीडीडी अकाउंट में बचा हुआ है, और अभी हम लोग 6,250 क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले का 2,000 यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ रहेगा, 4,250। यहाँ पर कितना बचा हुआ रहेगा, 4,250 से बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये देखो 5,000 में से 3,000 यूज किए, तो अभी भी इसमें ये जो पीबीडीडी है यहाँ पर 2,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और इस बार क्रिएट करने का प्लान है 6,250। तो 2,000 अगर हम लोग यूज कर लेंगे ये 6,250 क्रिएट करने के लिए, तो बाकी बचा हुआ जो है वो पीएल से लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4,250। अब क्या करेंगे, अब ब्रॉड डाउन कर देंगे, जो टू बैलेंस सीडी था जो मैंने बताया कि मिल जाएगा हम लोगों को ओपनिंग फिगर क्या है, तो बाई बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 6,250, और नेक्स्ट ईयर में फिर से बैड डेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है टू सन्ड्री डेटर बोल के 2,500, और इसे हम लोग को क्लोज करना है बाई पीबीडीडी बोल के, ये हम लोग पीएल में क्लोज नहीं करके पीबीडीडी में कर रहे हैं, अभी पीएल वाला भी दिखाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 2,500 इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब जैसे यहाँ पर 2,500 कर दिया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैड डेप्ट 2,500, और इस बार क्लोजिंग कितना होगा, टू बैलेंस सीडी, देखो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख था डेटर, 1 लाख के ऊपर बोला है 2.5%, तो कितना हो जाएगा, 2,500। 2,500। हाँ 2,500। अब देखो 6,250 जो है, वैसे तो पता चल रहा है बैलेंस इधर ही आएगा टू साइड में, क्योंकि 2,500 2,500 ये हो जाएगा 5,000, तो 1,250 बैलेंस आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो, 6,250 हम लोग के पास था प्रोविजन किया हुआ, उसमें से बैड डेप्ट कितना हुआ 2,500, तो बचा कितना 3,750, और हम लोग को इस साल क्रिएट करना है ओनली 2,500, तो एक्स्ट्रा है, तो 1,250 पीएल में क्रेडिट कर देंगे, तो 2 PL लिखना पड़ेगा, 1,250, 2 PL 1,250, यहाँ लिख देते हैं 2 PL 1,250, ये देखो 2 PL 1,250, थोड़ा क्लियर लिखना पड़ेगा, रुको, फिर से लिख देते हैं, यहां पर टू बैड डेप्ट 2,500, 2 PL जो बैलेंसिंग फिगर आया 1,250, और 2 बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,500, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,500। तो ये था इसका कंसेप्ट कि 6,250 जो है ये हम लोगों ने प्रोविजन किया था, और एक्चुअली में 2,500 का बैड डेप्ट हुआ, यानी हम लोगों ने एस्टिमेशन जो है कुछ ज्यादा ही लगा लिया कि डाउटफुल हो सकता है, तो 3,750 अभी भी बचा हुआ है, और उसमें से हम लोग इस साल क्रिएट करना चाहते हैं 2,500, तो 2,500 तो पिछले साल का बचा हुआ में से ही क्रिएट हो जाएगा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1,250 है उसे पीएल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, इसीलिए 2 PL हो गया। अब इस बेसिस पे जब हम लोग पीएल बनाएंगे 2012 का, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जहां जहां पीएल है ये देखेंगे, तो 2 बैड डेप्ट हो जाएगा एक बार 4,250, हम लोग लिखेंगे 2 बैड डेप्ट 4,250, लेकिन इसे अगर फाइनल अकाउंट्स में जैसे होता है उस तरह से, अगर ये देखो यहाँ पर है 2 PBDD, अच्छा 2 PBDD लिख देते हैं, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, 2 PBDD हो जाएगा 4,250, और ये जो है इसमें हो जाएगा बाई पीबीडीडी, बाई पीबीडीडी 3,1,250, 3 नहीं 1,250, बाई पीबीडीडी हो जाएगा 1,250।
इस तरह से चाहो तो लिख सकते हो। पीएल में जब अरेंज करोगे तो उस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे उसमें क्या होगा, देखो उसमें पहले हम लोग इसी तरह से ही करेंगे, टू सन्ड्री डेटर लिखेंगे, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर 3000, और जो बैड डेप्ट है उसे डायरेक्टली प्रोविजन के जगह हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, मतलब डेटर को सेल किया क्रेडिट में, डेटर टू सेल, फिर बैड डेप्ट हो गया तो बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, और जैसे ही लॉस हुआ उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया, बाई पीएल कितना हो जाएगा 3000 फर्स्ट वाले में। तो जैसे ही बाई पीएल 3000 हो गया वैसे ही पीबीडीडी अकाउंट में फिर क्या इफेक्ट होगा, बाई बैलेंस बीडी जो है वो तो रहेगा ही 5000, ठीक है। और इस बार हम लोगों को क्रिएट कितना करना है, यहाँ पर तो कुछ चार्ज नहीं होगा बैड डेप्ट का, इस साल हम लोग को क्रिएट करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 6250, पिछले वाले टेक्निक के हिसाब से ही होगा ये भी 6250। अगर हम लोग 5000 क्रिएट किए थे इस बार और 6250 क्रिएट करना है तो प्रॉफिट से कितना लेना पड़ेगा, 1250, प्रॉफिट से लेंगे 1250। अब फिर से टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर यहाँ पर आ जाएगा 2500 बाई पीएल 2500, ये डायरेक्टली हम लोग पीएल में चार्ज कर रहे हैं, और ये जो बैलेंस है ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी 6250, और इस बार जो हम लोग क्रिएट करेंगे उससे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 2500, पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अब बैलेंस इधर आ जाएगा और इस बैलेंस को टू पीएल बोल के हम लोग डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 3750, टू पीएल बोल के आ गया 3750। बस अब पीएल में अगर लिखोगे डायरेक्टली तो यहाँ पर लिखोगे टू पीबीडीडी 3750, एक हो जाएगा 2500। अच्छा ये अगर 2012 का है तो इसका हो जाएगा 2500, एक मिनट ये नेक्स्ट ईयर वाला लिखती है हम, यहाँ पर हो जाएगा 2500, और ये जो है इसका लिखेंगे बाई PBDD 3750। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस इतना ही है कि अगर हम लोग पीबीडीडी में डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो फिर पीबीडीडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पीबीडीडी आ गया 4250 देखो, और यहाँ पर पीबीडीडी डायरेक्टली आ जाएगा 2500 जो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर देखो 3750 आएगा पीएल में, यहाँ पर पीएल में बैलेंस आ जाएगा 3750। तो अगर हम लोग चाहे तो प्रोविजन से जाके पीएल में चार्ज कर सकते हैं, प्रोविजन का फिर एंट्री आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग चाहे तो ये, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर तो पीएल का और एक चीज डेटा भी लिखना था मुझे, वो मैंने लिखा नहीं है, टू ये देखो ये वाला टू बैड डेप्ट 3000, टू बैड डेप्ट ये भी हो जाएगा 3000, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ये है टू बैड डेप्ट 2500, टू बैड डेप्ट 2500। अच्छा ये क्या बैलेंस गलत हुआ है, 2500 नहीं, ठीक तो है 3750,
सात, ये एक बार टोटल कर लेते हैं, 3750 प्लस 2500, 6250, नहीं सही है, तो 6250। अच्छा ये तो 1 2, तुम लोग बोल नहीं रहे, ये 1250 होगा ना, वही हम पूछ रहे हैं यहाँ पर गलत। ये देखो जस्ट क्रॉस पोस्टिंग करना है, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था अकाउंट को, ये 2012 है, मैंने इसमें 2013 का डेटा लिख दिया था इसलिए गलत। ये देखो पहले ये बाईपीएल वाला यहाँ क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू बैड डेट 3000, और यहाँ पर पीबीडीटी देखते हैं, टू पीएल कितना हो जाएगा, टू पीएल हो जाएगा 1250, इसको ठीक कर लो, ये 1250 होगा। और जब ये नेक्स्ट उसके बाद वाला करेंगे तो ये पीएल का क्रॉस पोस्टिंग टू बैड डेट 2500, और ये जो देखो पीबीडीटी जो है इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई पीबीडीटी 3750। बस अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 1250 प्लस 3000, टोटल करो 1250 प्लस 3000 हो जाएगा 4250, ये इफेक्ट मुझे दिखाना था, इसका टोटल करोगे तो 4250 आ रहा है, और इसमें देखो कितना आ रहा है, इसमें नेट करो 3750 इधर है, 2500 इधर है, तो 3750 माइनस 2500 तो 1250, इसका नेट इफेक्ट देखो 1250। यही हम बोलना चाहते थे कि चाहे बैड डेप को यूज करो, मतलब डेटर का जो सन्ड्री डेटर का जो बैड डेप है उसके लिए पीबीडीडी यूज करके पीएल में जाओ डायरेक्टली, या फिर बैड डेप को पीएल में, पीबीडीडी को पीएल में, दोनों को इंडिविजुअली भी पीएल में चार्ज करते हुए भी अगर जाओगे पीएल में तो आंसर सेम ही होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने बैड डेप को पीबीडीडी में चार्ज किया, फिर वो पीबीडीडी का इफेक्ट पीएल में दिखा, इसलिए देखो टू पीबीडीडी बाई पीबीडीडी, इसके अलावा कुछ शो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें हम लोगों ने बैड डेप्ट को अलग से पीएल में चार्ज किया कि जो लॉस हो रहा है उसे पीएल में चार्ज करो, और पीबीडीडी का जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है उसको पीएल में अलग से चार्ज करो। तो इसमें देखो पीएल में दो डेटा आ जाएगा, एक पीबीडीडी का आ जाएगा, एक बैड डेप्ट का आ जाएगा, लेकिन टोटल जो इफेक्ट है वो दोनों केस में ही सेम आएगा, दोनों केस में ही सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट पीबीडीडी ही शो करेगा, बिकॉज सन्ड्री डेटर को हम लोग किस में क्लोज कर रहे हैं, पीबीडीडी में क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री क्या हो गया, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर और पीबीडीडी टू बैड डेप्ट। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में हो रहा है बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, फिर हो रहा है पीबीडीडी टू बैड डेप्ट, यानी बैड डेप्ट जो क्लोज हो रहा है ये पीबीडीडी में हो गया ना, तो बचा क्या, पीबीडीडी टू सन्ड्री डेटर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग कर रहे हैं बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, फिर कर रहे हैं पीएल टू बैड डेप्ट, यानी बैड डेप्ट जो है वो क्लोज जो हो रहा है वो पीएल में हो रहा है, और पीबीडीडी का किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, पीबीडीडी जो है वो डायरेक्टली पीएल से क्रिएट कर रहे हैं, पीएल टू पीबीडीडी हो रहा है, और अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो बैड डेप्ट टू पीएल हो रहा है, लेकिन दोनों में ही आंसर सेम आएगा, चाहे बैड डेप्ट को क्लोज करो थ्रू पीबीडीडी, चाहे बैड डेप्ट को क्लोज करो थ्रू पीएल, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। लेकिन दोनों को अगर पीएल में क्लोज करेंगे तो पीएल में दो डेटा शो होगा, पीबीडीडी का इंडिविजुअल, बैड डेप्ट का इंडिविजुअल, जबकि अगर हम लोग बैड डेप्ट को पीबीडीडी में क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये पीएल में सिर्फ और सिर्फ पीबीडीडी ही शो करेगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? यस ओके
अब देखो बैलेंस शीट क्या होगा, बैलेंस शीट दोनों केस में ही सेम होगा, बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट देख लो यहीं पर। बैलेंस शीट इसीलिए इन लोगों ने भी एक ही जगह पे दिखा है। फर्स्ट केस में डेटर था 1,25,000 और बैड डेप्ट हुआ था, टोटल कितना बैड डेप्ट हुआ था देखो, एक में हुआ था 3,000 और एक में हुआ है 2,500। तो बैलेंस शीट 2012 का जो है, इसमें डेटर 1,25,000 और इसमें डेटर है 1,00,000। अच्छा, इन लोगों ने माइनस कर दिया है, एक से माइनस किया है 2,500 और एक से माइनस करना है इन लोगों को, यहाँ पर किया है 6,250। अच्छा, तो 2012 का तुम लोग पीएल चेक करो कितना हो रहा है, 2012 का पीएल में कितना आया था। टू थाउजेंड ट्वेल्व का जो पीएल था वो दोनों मेथड से एक बार बताओ थे कितना आया था, 4,250। 4,250, और दूसरे वाले मेथड से 1,250। 1,250। अच्छा, और 2013 का, 2012 এর দুটোতেই তো 4,250 এ হয়েছিল। হ্যাঁ, দুটোতেই একই আসবে, 4,250। আর 13-এরটাতে 1,250। 1,250। আচ্ছা,1,250 আয়া থা, 1,250, আর এসমে ব্যাড ডেপ্ট হ্যায় 2,500, ব্যাড ডেপ্ট রাইট অফ, আর এসমে ব্যাড ডেপ্ট রাইট অফ হ্যায় 3,000, তো 1,25,000 মাইনাস 3,000, ইয়ে ক্যা কিয়া হ্যায়, ব্যালেন্স শীট জো হ্যায় 1,25,000 माइनस 6,250, अच्छा प्रोविजन वगैरह सब माइनस करके, अच्छा तो 1,25,000 से पहले माइनस करना पड़ेगा बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना है 3,000। अब 2012 का पीबीडीडी बताओ कितना था, 2012 का पीबीडीडी मतलब जो ये देखो, इसने ये माइनस किया ना, 2012 का पीबीडीडी बताओ तो कितना है, मतलब जो हम लोगों ने क्रिएट किया 2012 में, हम लोगों ने लिखा था ना टू बैलेंस सीडी बोल के, पीबीडीडी क्रिएट किया होगा ना, कितना आया था, 6,250 आया होगा। यस मैम। 6,250। और 2013 का कितना आया था, 2,500। हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने गलत लिखा है, ये पीबीडीडी होगा इसलिए टैली नहीं हो रहा है, ये पीबीडीडी होगा, बैड डेप्ट नहीं है, ये फर्दर बैड डेप्ट तो है ही नहीं ना उसमें, ये ड्यूरिंग द ईयर था, फर्दर बैड डेप्ट नहीं, ये लिखने का लैंग्वेज गलत है इन लोगों का, तो ये पीबीडीडी है, पीबीडीडी का डेटा माइनस हुआ है, यहाँ पर लिखना मिस्टेक हो गया इन लोगों का, तो फर्दर बैड डेप्ट नहीं है, तो डायरेक्ट पीबीडीडी माइनस करेंगे डेटर से, तो हम लोग को मिल जाएगा कि डेटर का वैल्यू जो है वो कितना होगा, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर जो है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको पीवीडीडी लिखना पड़ेगा।
अच्छा, अब ये जो इलास्ट्रेशन टू है, ये वाला तुम लोग करके मुझे बताओ क्या बैलेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। इलास्ट्रेशन टू, इलास्ट्रेशन टू को सॉल्व करो। कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई भी मेथड, आंसर दोनों केस में ही सेम आएगा। इलास्ट्रेशन टू को सॉल्व करो। ऑन 1/1/2013 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 1/1/13 को पीबीडीडी जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज 5,000 ओपनिंग बैलेंस, द बैड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेब्ट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर वो है 900, द सन्ड्री डेटर एज ऑन 31 दिसंबर 2013 जो है सन्ड्री डेटर 40,400 आउट ऑफ दिस डेटर्स ऑफ 400 बैड। यहाँ पर पता चला बैड डेप्ट और भी कितना होगा 400 एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड, मतलब बैड डेप्ट। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी रियलाइज्ड 5%। पीबीडीडी जो क्रिएट करना है वो एट द रेट ऑफ 5% करना है ऑन सन्ड्री डेटर, या अगर नहीं भी मेंशन करता है तो ऑलवेज सन्ड्री डेटर के ऊपर ही होगा, लेकिन आफ्टर बैड डेब्ट जो है ये माइनस करने के बाद। तो 40,400 में 900 ऑलरेडी एडजस्टेड है बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इससे कितना माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 400। फिर जो बचेगा उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर बस सम्स तो इतना सही है जो मैंने लिखा है, इन्फॉर्मेशन सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग को प्रिपेयर करना है, तो कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। मेथड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, एक डायरेक्ट पीएल में ही जाना है दोनों चीज, और एक थ्रू पीवीडीडी के जाना है। तो नेसेसरी लेजर मतलब बैड डेप्ट अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और चाहो तो सन्ड्री डेटर अकाउंट भी बना सकते हो। तो देखो हम लोग क्या क्या अकाउंट बना सकते हैं, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, एक सन्ड्री डेटर अकाउंट भी दिखा देते हैं। पिछले सम्स में नहीं बनाया था, चाहो तो इसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। पीएल अकाउंट और लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो क्या होगा वो मैंने पहले ही बता दिया, हम यहाँ दिखा देते हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले हम बना देते हैं। देखो यहाँ पर सन्ड्री डेटर हो जाएगा जो है 40,400, फिर यहाँ से लेस कर देंगे बैड डेप्ट 400, तो कितना बचेगा, मतलब ये फर्दर बैड डेप्ट है तो कितना बचेगा 40,000। फिर यहाँ से लेस करेंगे पीबीडीडी जो है एट द रेट ऑफ कितना था, एट द रेट ऑफ चेक करना पड़ेगा 5%, एट द रेट ऑफ 5%, तो एट द रेट ऑफ 5% लिख लेते हैं। तो 40,000 के ऊपर 5% लगा लो तो हो जाएगा
2000, यानी इस बार का पीबीडीडी होगा 2000, तो ये कितना आ जाएगा, नेट डेटर 38000। मतलब पीबीडीडी अकाउंट में अगर हम लोग जाए तो हम लोग बैलेंस शीट से भी देखो यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं, ये तो करंट ईयर का है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो है ये कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 2000, और इसका ओपनिंग हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है बाई बैलेंस बीडी 5000। कोई भी मेथड यूज करो ये दोनों डेटा तो सेम ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब अगर हम लोग को सन्ड्री डेटर जो है वो अगर थ्रू प्रोविजन के साथ हम लोग करते हैं, तो पहले यहाँ पर बैड डेट दिखा देते हैं, सन्ड्री डेटर बैड डेट अकाउंट पे सन्ड्री डेटर कितने का डेटर कम हो गया है थ्रू बैड डेट। तो फर्स्ट अमाउंट जो है हम लोग का 900 है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हो गया टू सन्ड्री डेटर 900, और उसके बाद है फिर से टू सन्ड्री डेटर, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, टू सन्ड्री डेटर हो जाएगा 400, ये वाला फर्दर, तो 900 प्लस 400 1300, और ये अगर पीवीडीडी के साथ भेजेंगे तो बाई पीवीडीडी 1300, तो ये पीवीडीडी में यहाँ पर आ जाएगा टू बैड डेप्ट। पीवीडीडी जो कम हो गया वो बैड डेप्ट हम लोग यूज किए, पीवीडीडी का बैलेंस बैड डेट में यूज किए कितना 1300, हम लोग के पास अवेलेबल था 5000, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1300 यूज करना है तो 3700 रह जाएगा, लेकिन हम लोग को इस साल कितना क्रिएट करना है 2000, तो ऑलरेडी हम लोग के पास 3700 है, उससे अगर सिर्फ 2000 यूज करेंगे तो बाकी इधर आ जाएगा, वैसे ही बैलेंस करोगे तो इधर ही बैलेंस आएगा 2PL 1700। इसका कंसेप्ट यही है कि 5000 में से हम लोगों ने 1300 हम लोग को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज 1300 का बैड डेप्ट हुआ है, और रिमेनिंग 3700 जिसमें से हम लोग 2000 आराम से क्रिएट कर सकते, प्रॉफिट से लेने का जरूरत नहीं, उल्टे का प्रॉफिट में बाकी जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए पीएल क्रेडिट हो गया 2PL 1700। अब जो सन्ड्री डेटर अकाउंट है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसमें हम लोग लिखेंगे डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिख सकते हैं, और जो क्लोजिंग है उसे बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस आया है 38000 यहाँ पर, और ओपनिंग कितना आया है 40400, तो फिर कितना बैलेंस माइनस करके देखो कितना हो रहा है, बैलेंस आ जा रहा है 2400। अच्छा ये जो डेटर का ये पीबीडीडी लेस करे बिना ही लिखना पड़ेगा, एक मिनट, 40400 माइनस 38000, अच्छा ये 40400 कब का बैलेंस है, 31 दिसंबर 2013, ये ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस है। पीबीडीडी तो हम लोग अलग ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ 40000 ही लिखना पड़ेगा बाई बैड डेप्ट, बाकी जो है वो बैड डेप्ट हो जाएगा 400 जो फर्दर बैड डेप्ट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 40400 लिया है, तो 40400 ओपनिंग था और बैड डेप्ट उसके बाद कितना हुआ 400, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 40000, और प्रोविजन का जो है ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ पर अलग से किया है। और पीएल जो है पीएल में हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ये जो है बाई पीबीडीडी बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट दैट इज 1700, ये नेट इफेक्ट दिखा देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1700, ये पीएल में आ जाएगा 1700। और अगर हम लोग इसे पीएल में चार्ज करते ये पीबीडीडी को, तो यहाँ पर पीएल अकाउंट किस तरह से होता वो हम शो कर देते, देखो यहाँ पर हो जाता टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट कितना लिखते हैं हम लोग, टू बैड डेप्ट हम लोग लिखते एक बार 900, फिर लिखते टू फर्दर बैड डेप्ट, इस तरह से हम लोग लिखते, या फिर ऐड कर देते हैं 900 दोनों इधर आ जाता, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट तब उसका ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाता। ये बैड डेप्ट तो यहाँ पर नहीं आता एंट्री, अगर हम लोग इसे पीएल में दे देते ये बैड डेप्ट का एंट्री यहाँ पर नहीं आता, तो फिर बैलेंस जो है वो हो जाता
3000, ये देखो अगर हम लोग इसे बाय पीएल कर देते तो पीएल में क्या आ जाता, टू बैड डेप्ट 900, ये देखो बाय टू सन्ड्री डेटर, इसको अगर हम लोग बाय पीएल 900 बाय पीएल 400 लिखते तो टू बैड डेप्ट 900, टू फर्दर बैड डेप्ट 400, ठीक है। और अगर ये पीबीडीडी नहीं होता तो ये 1300 वाला एंट्री भी नहीं होता, तो अगर ये एंट्री नहीं होता तो कितना हो जाता अमाउंट, इधर 5000 और इधर 1700 और 2000, तो 2000 प्लस 1700 करो, क्योंकि ये तो एज इट इज होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर और कितना बैलेंस मिल जाता है, यहाँ पर हो जाता 1700, तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर करके आया अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, तो फिर 5000 और उधर 2000, तो माइनस कर तो देखो 3000 आता, तो हम लोग का बैलेंस आता 3000, तो बैलेंस इधर आता 3000, बैलेंस जो इधर आता तो हम लोग लिखते बाई पीबीडीडी, बाई पीबीडीडी लिख देते 3000, तो देखो नेट बैलेंस कितना होगा, 3000 इधर है और इधर हो गया 1300, तो 3000 माइनस 1300 करो तो 1700 ही आएगा। देखो बात को समझो, यहाँ पर जो पीएल है अगर हम लोग थ्रू पीएल अकाउंट करते तो ये बाई पीएल 1300 होता, जैसे ये बाई पीएल होता पीएल में टू बैड डेप्ट 900, टू फर्दर बैड डेप्ट 400, और जैसे ही ये पीएल होता तो ये दोनों एंट्री नहीं होता, जो कि पहले से ये मेथड के वजह से हुआ है, तो ये दो एंट्री अगर नहीं होता तो यहाँ पर बैलेंस करके कितना आता 3000, वो भी टू पीएल बोल के, तो वैसे ही हम लोग बाई पीबीडीडी 3000 लिखते, तो इधर 3000 और इधर हो गया 1300, नेट इफेक्ट देखो 1700 होगा और ये बैलेंस इधर आ रहा है 1700, नेट इफेक्ट हो जाएगा 1700 का, इधर 1300 और ये क्लोज तो होगा नहीं क्योंकि सारा एक्सट्रैक्ट है, तो 3000 और यहाँ पर से माइनस करके देख लो 1300, तो आंसर आ जाएगा 1700। समझ में आया मैम? पीबीडीडी का डेटर से बात गलो ना सालो कौन डेटर अकाउंट? हाँ मैम, डेटर अकाउंट আমি এখানে 40400 লিখেছি না, ঠিক আছে, আমি এখানে 40400 লিখেছি, আমি যদি এখানে ক্লোজিং এ 38000 দেখাতে যাই তাহলে ব্যালেন্স ম্যাচ করবে না, দেখো কারণ পিবিডিডি টা পরে ক্রিয়েট করা হচ্ছে, দেখো 40400, ঠিক আছে, আর এখানে যদি আমি 38000 লিখে দিই তাহলে আমার মাইনাস করে দেখো কতটা গ্যাপ আসছে, 2400 আসছে, তো চাইলে ওটাও করা যায়, অসুবিধা নেই, এসে ভি চাও তো কর সকতে হো, সান্ড্রি ডেটার কো এসে ভি কর সকতে হো, কোই প্রবলেম নেই হ্যায়, सन्ड्री डेटर ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाई बैड डेप लिखना पड़ेगा और ये वाला, और इसे लिखना पड़ेगा बाई पीबीडीडी, अगर यहाँ पर बाई पीबीडीडी लिखेंगे ना तो फिर पीबीडीडी में ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर, মানে এইখানে যদি আমি পিবিডিডি টা দিই তাহলে এই প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ্টও কিন্তু আবার ওটার ক্রস এন্ট্রি করতে হবে, তাহলে আবার ওটাও হবে কিন্তু ওটার আবার আলাদা ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে, কথাটা বুঝতে পারছো? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, মানে আমি বলতে চাইছি যদি আমি এখানে 38000 দিই তাহলে আমি এখানে 2400 দেখাতে হবে, মিন্স এই 400টা আর এই 2000টা, ঠিক আছে। এবার আমি যদি এই দুটো এখানে দিই তাহলে আমাকে এই ডেটার অ্যাকাউন্টের এই 400টা তো মেনটেন হবে, কিন্তু এই প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ্টে সান্ড্রি ডেটার অ্যাকাউন্ট যেটা আছে তাহলে এখানে আমাকে যেটা 2000 যেটা আসবে না সেটা আমাকে টু ব্যালেন্স সিডি বলে তখন আমি দেখাতে পারবো না ক্লোজিংটা, এটা এখানে তখন আবার টু সান্ড্রি ডেটার বলে চলে আসবে, সেই কারণে ওটা ট্রিট করে না, ঠিক আছে, এটা যেহেতু ক্লোজিং ব্যালেন্স বলে। ঠিক আছে ম্যাম। अच्छा, अब देखो डिस्काउंट में क्या बताया, वी नो दैट कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सप्लायर्स टू कस्टमर, कैश डिस्काउंट जो होता है वो सप्लायर कस्टमर को देता है फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ कैश, अगर कोई जल्दी मतलब टाइम से पहले पैसा दे देता है तो फिर उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है, नेचुरली ये प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज, और ये डिस्काउंट देना भी तो क्या है, एक लॉस ही है, इसीलिए लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, दस द प्रोविजन विच एवर इज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर फॉर अलाउिंग डिस्काउंट और रिसिप्ट और रिसिप्ट ऑफ कैश इज दैट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर,
तो प्रोविजन जो क्रिएट किया जाएगा सन्ड्री डेटर के ऊपर फॉर अलाउइंग डिस्काउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, जो कैश मिल रहा है उसके ऊपर जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए, उस अकाउंटिंग हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए अलग अलग क्रिएट करना पड़ता है, उसे हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोलते हैं। इट इज नीडलेस टू से दैट इफ द कस्टमर्स पे देयर डेब्ट्स बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले अगर देगा दे मे क्लेम डिस्काउंट। ये वो लोग डिस्काउंट चाहेगा कि हम टाइम से पहले दे रहे हैं तो कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, नहीं तो हम बाद में पैसा देंगे। टाइम पे ही देंगे, पहले क्यों दे। एंड दैट इज वाई डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट इज एन अनयूज इज एन यूजुअल वे। ये नॉर्मल सा बात है। वेयर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट्स आर डेबिटेड बट द अमाउंट मे नॉट बी रियलाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। वही जो डेटर टू सेल, डेटर अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं लेकिन जो पैसा है वो जरूरी नहीं है कि उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों को मिल जाए। नेचुरली ये पॉसिबल एम्स टू अलाउ डिस्काउंट वेदर कैश इज रिसीव। तो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड करना करना पड़ता है अगर कोई टाइम से पहले कैश दे देता है तो। द सेम विल हैपन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी ऐसा हो सकता है। ड्यू टू दिस रीजन ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एट एन एस्टिमेटेड रेट ऑन सन्ड्री डेटर। पास्ट एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि मेरा डेटर का 10% देगा, 12% देगा, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। फॉर्म बता सकता है कि कितना उसे डिस्काउंट का जो रेट है वो रखना चाहिए। केयर शुड बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, मतलब ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट शुड बी कैलकुलेटेड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन डेटर। स्पेसिफाइड रेट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करता है, दैट इज आफ्टर डिस्काउंटिंग बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था कि पहले बैड डेट लेस होगा, अभी तक हम लोग जो ट्रीट करें, फिर जो आएगा उससे पीवीडीडी लेस होगा और फिर उसके बाद ही हम लोग डिस्काउंट देंगे। क्योंकि ना तो बैड डेटर को डिस्काउंट देना चाहिए, ना तो जिन लोग के ऊपर डाउट है उन लोगों को डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग हम लोग को टाइम से पहले पैसा दे देगा, उन लोगों को कैश डिस्काउंट देंगे। अब एंट्री देखो क्या है। फर्स्ट एंट्री है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, जैसे ही डिस्काउंट देंगे वो लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सन्ड्री डेटर। और जब डिस्काउंट अलाउड इज ट्रांसफर्ड, जब ट्रांसफर करेंगे मतलब क्लोजिंग एंट्री जो होगा, तो डिस्काउंट अलाउड टू सन्ड्री डेटर। ये दोनों ही सेम एंट्री कर दिया है। अच्छा देखते हैं क्या अगर ठीक लिखा है कि नहीं। फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पीएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जब डिस्काउंट क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ही है प्रॉफिट को कम करना, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना होता है, इसीलिए पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके बाद देखो क्या किया है। उसके बाद फॉर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू सन्ड्री डेटर। फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू डिस्काउंट अलाउड। नॉर्मल है जैसे किया है। और अगर डिस्काउंट जैसे हम लोगों ने जितना सोचा था प्रोविजन किया था हम लोगों ने, अगर डिस्काउंट उतना नहीं देना पड़ा तो जो बच जाएगा वो पीएल में क्रेडिट कर देंगे। डिपेंड कर रहा है हम लोग करंट ईयर में कितना डिस्काउंट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम लोग जो प्रोविजन क्रिएट किए हैं उससे अगर ज्यादा हो रहा है हम लोगों का डिस्काउंट, हम लोगों ने एस्टिमेशन कम किया है, तो हम लोग फिर से प्रॉफिट से डिस्काउंट ले लेंगे, एज वेल एज इस साल का जो है क्लोजिंग डिस्काउंट जो क्रिएट करना है प्रोविजन का वो भी होगा। तो सेम ही ट्रीटमेंट होगा जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का होता है, उसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन किया हुआ है, हम इसी को दिखा देते हैं। देखो ऑन 1/4/2012 मेसर सिंह ब्रदर्स हैड ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 6500। तो पीवीडीडी देखो, यहाँ पर पीवीडीडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया है कितना, क्योंकि ये क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है 6500 अगेंस्ट देयर बुक डेट्स। बुक डेट के अगेंस्ट में इतना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ड्यूरिंग 12/13 4200 प्रोवाइडेड इररिकवरेबल। 12/13 में ये पता लगा कि 4200 इररिकवरेबल मतलब नहीं रिकवर हो सकता है। एंड इट वाज डिजायर टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट 4%। और इन लोगों को लगा क्योंकि ये जो डेटा था ये 11/12 का था, 11/12 के हिसाब से 6500 हुआ था, लेकिन 12/13 में इन लोगों ने अपना रेट रखा है 4% ऑन डेटर विच स्टूड एट
तक 95,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट माइनस करने के पहले का डेटर का बैलेंस है 1,95,000, और इस बार इन लोगों ने जो प्रोविजन है वो 4% रखा है और ये 4,200 का बैड डेप्ट हुआ है, ये रिकवर्ड हुआ है। दे ऑल्सो डिसाइड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये लोग चाहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी मेंटेन करेगा 2%। सो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, दो अकाउंट बोल रहा है मेंटेन करने के लिए। तो देखो यहीं से दिखा देते हैं, पहला एंट्री तो हो गया बाय बैलेंस बीडी 6,500 जो ओपनिंग था, तो क्लोजिंग में कितना जाना चाहिए? देखो क्लोजिंग में इस तरह से जाना चाहिए 1,95,000 का डेटर है 2012-13 में, और उस पे हम लोगों का बैड डेप्ट हुआ है 4,200, ठीक है। तो माइनस करो 1,95,000 से 4,200, अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,90,800। अब इस पे ही पीवीडीडी क्रिएट करेंगे, इस पे पीवीडीडी क्रिएट करो एट द रेट ऑफ 4%, तो 4% पीवीडीडी क्रिएट करने पे आएगा 7,632, तो माइनस इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 1,83,168। अब इस पे हम लोग डिस्काउंट देंगे जो कि है 2%, इस पे हम लोग डिस्काउंट देंगे जो है 2%, तो 3,663.66 ऐसे आ रहा है, माइनस इक्वल टू तो 1,79,504.6 इस तरह से। अब क्या ट्रीटमेंट होगा, ये देखो ये है क्लोजिंग पीबीडीडी इस साल का, तो ये देखो पीबीडीडी अकाउंट में क्या लिखा है इन लोगों ने, टू बैलेंस सीडी 7,632 क्लोजिंग लिख दिया है, और जो बैड डेप्ट है वो कितना है 4,200, तो ये देखो टू बैड डेप्ट 4,200, तो 6,500 का हम लोगों ने प्रोविजन किया था जिसमें से सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कितना होगा 4,200, तो कितना बच जाएगा, बचा 2,300, लेकिन इस बार कितना क्रिएट करना है 7,632, तो ऑलरेडी 2,300 हम लोग के पास अवेलेबल है, तो 7,632 माइनस कर देते हैं इससे, तो इस बार पीएल से कितना लेना पड़ेगा 5,332, ये देखो पीएल से लेना पड़ेगा 5,332। तो यही है मेन कंसेप्ट, क्योंकि जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे तो इस तरह से अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लोग जब इसे अरेंज करोगे पीएल में तो गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई ये डिटेल्स में करवाया जाता है। तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया 6,500 जो क्लोजिंग था, ओपनिंग में आ जाएगा 7,632, वो डेटर का कैलकुलेशन किया तो पता चल गया, और बैड डेप्ट हुआ है 4,200, तो पीएल में कितना चलेगा और कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड जो है उसके लिए पीएल से कितना लेना पड़ेगा 5,332। ये बन गया हम लोग का पहला प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। अब हम लोग को क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में क्या किया इन लोगों ने, पिछले साल का कोई भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में हम लोग को डेटा नहीं दिया था, तो इसीलिए देखो ये नील दिखा रहा है, और जो इस बार हम लोगों ने डिस्काउंट क्रिएट किया है वो अभी मैंने दिखाया था 3,663 आया था, अभी मैंने कैलकुलेट किया था 3,663 आया था, कैसे आया था ये देखो 1,95,000 माइनस 4,200 फिर 1,90,800 इसके ऊपर 2% लगाया था, 1,90,200 इसके ऊपर लगाया था 1,90,200 पे नहीं 1,95,000 माइनस 4,200 तो 1,90,800 इस पे 4% लगाने से 7,632 माइनस इक्वल टू करो तो बैलेंस आएगा 1,83 वहां पर मैंने दिखाया था इंटू 2%, ये देखो इस पे 2% माइनस कर दो तो आ जाएगा 3,663.36, तो 3,663 लिया इन लोगों ने, तो ये नया जो है टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग या हो गया, क्योंकि ये नीचे लिखना चाहिए था, जो भी इन लोगों ने ऊपर लिख दिया ये नीचे होना चाहिए इस तरह से टू बैलेंस सीडी 3,663, ये नील हो गया। और जैसे ही हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करेंगे तो फिर वो प्रॉफिट से ही चार्ज करना पड़ेगा, तो बाय पीएल 3,663 जो इस बार का न्यू क्रिएशन था, पिछले बार का कुछ नहीं था इसीलिए कुछ भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, ये एकदम फ्रेश प्रोविजन था।
अच्छा ये वाला एक बता देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क देंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी उसके साथ ही सॉल्व करवा देंगे। ये देखो, एक कंपनी मेंटेन इट्स रिजर्व फॉर बैड डेट, बैड डेट रिजर्व कितना मेंटेन करता है? 5%। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2%। यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, 2012 2013 अलग अलग दिया है, बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट मतलब ऑकर्ड 800, 1500, डिस्काउंट अलाउड 1200, 500। जैसे बैड डेप्ट हुआ है, डिस्काउंट अलाउड मतलब हम लोगों ने डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है इतने इतने वैल्यू का, 1200, 500। सन्ड्री डेटर्स बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट और कोई भी मतलब एडजस्टमेंट के पहले ही है, 60,000 ऑन 31 डिसंबर 2012 एंड 42,000 ऑन 31 डिसंबर 2013। ऑन 1/1/2012 रिजर्व फॉर बैड डेप्ट एंड रिजर्व ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर हैड अ बैलेंस ऑफ 4,550 एंड 800। तो 1/1/2012 में बता दिया है ओपनिंग बैलेंस, 13 का बताएगा भी नहीं क्योंकि 12 का क्लोजिंग ही होता है 13 का ओपनिंग। तो 12 के अकाउंट को जब प्रिपेयर करोगे तो 12 का जो क्लोजिंग मिलेगा वही 13 का ओपनिंग हो जाएगा, इसीलिए 12 का देखो रिजर्व फॉर बैड डेट और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हैड ए बैलेंस बता दिया है 4,550 और 800, दोनों ही होता है क्रेडिट बैलेंस। सो रिजर्व फॉर बैड डेट एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, बस दो ही अकाउंट दिखाना है तुम लोग को 2 साल के लिए, रिजर्व फॉर बैड डेट एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो फर्स्ट अगर हम लोग 2012 का देखेंगे तो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट कितना हो जाएगा, पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हम लोग का ये 4,550 और 800, दोनों में ही क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 4,550 और यहाँ पर हो जाएगा 800। ये देखो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट जो है 2012 का, इन लोगों ने भी वैसे ही किया है, बाई बैलेंस बीडी 4,550, इधर बाई बैलेंस बीडी 800। अब आगे क्वेश्चन देखो फिर से, बैड डेप्ट हुआ है 800 और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 1200 2012 का, तो बैड डेप्ट 800, डिस्काउंट अलाउड 200। ये देखो 1200 डिस्काउंट अलाउड कर दिया इन लोगों ने, कितना डिस्काउंट अलाउड 1200 टू डिस्काउंट अलाउड, वैसे ही बैड डेप्ट को कर दिया है टू बैड डेप्ट। और पीबीडीटी का क्लोजिंग हम लोग को देखना चाहिए कितना क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग जो है ये रेट रखा इन लोगों ने 5% और इसमें रखा है 2%, तो 5% एंड 2%, और डेटर जो है वो 60,000, तो 60,000 पे बैड डेप्ट माइनस करने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो 2012 का डेटर जो था वो 60,000 था, ये देखो 60,000 यहाँ पर बता के रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 60,000, और उसमें से हम लोग का बैड डेप्ट जो है वो कितना हुआ है 60,000, और इस पे 5% क्रिएट करना है। ओके okay. फाइव परसेंट बोल रहा है 60,000 और डिस्काउंट ऑन डेटर है 2%। अब रूल्स क्या था देखो, रूल्स ये है ना, इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा, 60,000 का डेटर था उससे बैड कितना हो गया है 18,800, तो 60,000 माइनस 800 तो कितना बचा 59,200, और इस पे हम लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हम लोगों ने कितना अलाउड किया है 1200, तो डिस्काउंट अगर 1200 अलाउड कर दिया है हम लोगों ने, ये प्रोविजन नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अलाउड कर दिया है, तो उसमें भी डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो
तो पहले हम लोग का डेटर कितना था, 60,000, और इस साल क्या क्या हुआ है, 800 का बैड डेट और 1200 का डिस्काउंट, तो टोटल 800 और 1200 दोनों माइनस होने के बाद डेटर कितना बचेगा, 58,000। और इसपे बोला है पीबीडीडी क्रिएट करना है 5%, तो पीबीडीडी 5% क्रिएट किया है, तो पीबीडीडी 5% क्रिएट करने पे कितना हो गया है 2900। और अगर हम लोग 2900 लिखेंगे और बैलेंस अगर करेंगे तो इधर बैलेंस आ जाएगा 2PL, और ये जो है ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ये जो है ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये ब्रॉड डाउन हो गया बाय बैलेंस बीडी 2900। और इस साल फिर 2013 में देखो बैड डेप्ट कितना हुआ है, 2013 में बैड डेप्ट हुआ है 1500, ये देखो 2013 में बैड डेप्ट हुआ है 1500, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1500। फिर यहाँ पर क्लोज किया है बैलेंस को किस तरह से, ये देखो डेटर कितना है 42,000, लेकिन इसमें से भी माइनस हो जाएगा 1500 और 500, यानी 2000, इसमें से भी माइनस हो जाएगा 1500 और 500, 2000, तो 42,000 से 2000 माइनस होने के बाद कितना बचा, 40,000, ये देखो 42,000 से माइनस हो जाएगा ये 1500 और वहां पर 500 का डिस्काउंट जो क्वेश्चन में ही दिखा दिया था, अब इसके ऊपर 5% क्रिएट करोगे तो हो जाएगा 2000, और ये अकाउंट क्लोज हो गया 600, तो पीबीडीडी का दोनों अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा इस तरह से। और जो डिस्काउंट है उसका देखो किस तरह से होगा, डिस्काउंट बाय बैलेंस बीडी 800 ये ऑलरेडी था, और इस बार हम लोगों ने कितना क्रिएट किया है, 60,000 का हम लोग का डेटर था, लेकिन उसमें से 800 जो है 800 का हम लोग का बैड डेब्ट हो गया, तो बचा कितना, बचा हम लोगों का 59,200, और उसमें से 1200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 58,000। अब 58,000 पे और यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी 800 और यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है 1200, और डिस्काउंट जो है हम लोग को क्रिएट करना है, का डिस्काउंट, अच्छा चेक करते हैं कितने का डिस्काउंट है, अच्छा 13 वाला देख लो, ये एक मिनट बताते हैं, 13 वाला देख लो, ये जो बैलेंस यहाँ पर आएगा ये देखते हैं क्यों आया, एक बार बैलेंस आगे जाके देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो नेक्स्ट ईयर में हुआ है वो 500 हुआ है, और 40,000 का डेटर था जिसमें से 2000 माइनस होगा, 500 का बैड डेट और 1500 का डिस्काउंट, तो 2000, अब ये 2000 पे 2% क्रिएट करना है तो 760 हो जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस करोगे तो बाई पी एल 158 हो जाएगा, और ये भी बैलेंस करके आएगा जस्ट 1102, वो एक बार चेक कर लेते हैं 1102 कैसे आया है, क्लोजिंग बैलेंस जो है 58,000 माइनस 2900, अच्छा ये माइनस 2900 इसलिए हो रहा है, ये देखो यहाँ पर पिछले साल का जो क्लोजिंग रिजर्व फॉर बैड डेट है 2900 वो भी माइनस होगा, क्योंकि पिछले साल के बाद हम लोग का डेटर क्या हो गया, वो चेंज हो गया है, तो 58,000 तो हुआ था इस तरह से 60,000 से जब हम लोगों ने माइनस किया था, 60,000 से जब हम लोग 2000 माइनस किए थे 58,000 आया था, और इस बार का प्रोविजन जो है वो माइनस करने के बाद इतना आएगा, या फिर इस तरह से भी हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं किस तरह से हो रहा है, देखो ये ट्रीटमेंट इस तरह से होगा, 60,000 पिछले साल का था, माइनस हो जाएगा हम लोग का 2000 जो कि पिछले साल का है, तो ये हुआ था हम लोग का 58,000, और माइनस 2900 इसीलिए क्या है, क्योंकि पिछले बार का प्रोविजन देखो, पिछले बार का जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है ये हुआ है 2900, रिजर्व फॉर बैड डेट जो और एक क्रिएट हुआ है वो हुआ है 2000, ये 58,000 पे ही हुआ था, तो 2900 को माइनस करेंगे इस बार हम लोग, फिर जो डेटर होगा उसके ऊपर क्रिएट होगा ये वाला,
ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा पीवीडीडी लेस करने के बाद ही आता है, 1102 का डिस्काउंट होगा इसका। तुम लोग डेटा लिख के करोगे तो समझ जाओगे क्यों 1102 आया, क्योंकि ये 58,000 जो है वो उसके बाद प्रोविजन जो पिछले साल का था वो माइनस करने के बाद जितना आएगा उसके ऊपर जो रेट बता के रखा है 2% उसी बेसिस पे होगा। तो इसको तुम लोग एक बार खुद से कर लोगे तो समझ जाओगे ये, मतलब राइट डाउन करके करोगे तो, मतलब इसका जो डेटा है सामने रख के करोगे तो ज्यादा सुविधा होगा। तो इस तरह से तुम लोग कर लो, इसका होमवर्क कर लो, और जितना भी आज किए हो उसको सबको ही अपने कॉपी में खुद से करो तब होगा। और इलास्ट्रेशन 5 जो है ये होमवर्क रहेगा, इसका हम PDF भेज देंगे। इलास्ट्रेशन 5 जो, और जो भी आज हम लोगों ने किया है तो उसको खुद से एक बार जरूर कॉपी में लिख के करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। खुद से एक बार लिख के करना इसमें बहुत जरूरी है, एंट्री समझ के खुद से लिख के करोगे तो क्लियर हो जाएगा।